नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे। आज हम डिस्कस करेंगे एयर कंप्रेसर के पार्ट्स और उसकी वर्किंग के बारे में। जो एयर कंप्रेसर है वो कैसे काम करता है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो एयर कंप्रेसर है इसका काम क्या होता है, एयर को कंप्रेस करना, मीन्स एयर का प्रेशर बढ़ाना और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना। तो प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जब हम एयर को कंप्रेस करते हैं। तो जो कंप्रेस्ड एयर है हमारी काफी जगह यूज होती है, आपने देखा होगा वर्कशॉप्स के अंदर भी ये यूज होती है और इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका काफी यूज होता है। तो एयर को कंप्रेस करके रखना और फिर उसका यूज करना एयर कंप्रेसर के थ्रू ही संभव होता है। तो एयर कंप्रेसर के कौन कौन से पार्ट्स हैं और ये कैसे वर्क करता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने दो फिगर बनाई है। तो ये जो दोनों फिगर्स हैं इसके अंदर हमने दिखाया है, एक दिखाया है कि एयर को अंदर लेते कैसे हैं, वो सब कैसे करता है, और दूसरा है कि जो कंप्रेस होके एयर जो जाती है वो कैसे जाती है। तो पहले इस फिगर की बात करते हैं और इसके पार्ट्स का हम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये है सिलेंडर, सिलेंडर है ये है पिस्टन। ये जो पिस्टन है ये अप और डाउन मूवमेंट करता है इस सिलेंडर के अंदर। ये कनेक्ट होता है इस कनेक्टिंग रोड के थ्रू, ये कनेक्टिंग रोड है। किसके साथ कनेक्ट होता है, ये क्रैंकशाफ्ट के साथ। ये कनेक्टिंग रोड है जो कि क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्ट होती है। जब ये क्रैंकशाफ्ट रोटेट करती है तो ये कनेक्टिंग रोड की हेल्प से जो ये लिंक है पिस्टन को अप और डाउन मोशन देती है। ये जो क्रैंक है ये हमारी कनेक्ट होती है हमारी किसी भी मोटर के साथ कनेक्ट हो सकती है या किसी इंजन के साथ कनेक्ट हो सकती है जो कि इसको रोटेशन पावर देगा। तो ये जब रोटेट करेगी, मान लीजिए इस तरह से रोटेट करेगी, तो ये इसको देखिए इस तरफ खींचेगी और पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पे है सक्शन वाल्व, ये सक्शन वाल्व है जो कि यहाँ पे वाल्व सीट के ऊपर यहाँ पे ये बैठा होता है। ये वाल्व सीट है और ये सक्शन वाल्व है। इसी तरह से यहाँ पे ये जो वाल्व है ये डिस्चार्ज वाल्व है और ये वाल्व सीट है जिनके ऊपर ये बैठा हुआ है। तो ये इसके मेन पार्ट होते हैं। तो देखिए क्या होगा, जब हमारी जो क्रैंक है वो रोटेट करेगी, जब मोटर से ये कनेक्टेड है या किसी इंजन से कनेक्टेड है, जब ये रोटेट करेगी तो ये इसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो जब ये नीचे की तरफ खींचेगा तो पिस्टन क्या करेगा, नीचे सक्शन इफेक्ट क्रिएट करेगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ऊपर ये सिलेंडर के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होगी, जिससे क्या होगा एक सक्शन इफेक्ट बनेगा और जो एयर है बाहर से इस तरफ अंदर आएगी और ये वाल्व अप की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। इसके अपलिफ्ट होते ही यहाँ पे गैप बनेगा और जो एयर है वो अंदर सक हो जाएगी। तो जैसे ही ये नीचे जाता रहेगा तो एयर क्या है अंदर सक होती रहेगी और ये ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर अंदर के प्रेशर की बात करें तो अंदर वैक्यूम होगा जो कि इसको अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कि वाल्व ओपन हो जाएगा और सारी जो एयर है वो अंदर की तरफ जाएगी। लेकिन इसके कारण क्या होगा, देखिए ये इनकी पोजीशन देखिए, ये जो डिस्चार्ज वाल्व है वो नीचे की तरफ ही खींचा रहेगा और बंद रहेगा। तो पहली फिगर के अंदर दिखाया गया है कि जब ये नीचे आता है तो सक्शन क्रिएट होता है, एयर अंदर जाती है, सक्शन वाल्व ओपन होता है, डिस्चार्ज वाल्व क्लोज होता है। दूसरी फिगर के अंदर आप देखें कि जैसे ही रोटेट करके, इस तरफ से रोटेट करके जब ये इस तरफ आएगा तो इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलेगा। जैसे ही इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, यहाँ पे जो एयर थी, यहाँ पे सिलेंडर के अंदर जो एयर इकट्ठी हुई थी, जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो वो सारी एयर कंप्रेस होना स्टार्ट होगी, क्योंकि ये वाल्व क्लोज है, ये वाल्व क्लोज हो जाएगा, जो एयर प्रेशर बनेगा वो इसको क्लोज रखेगा। लेकिन जब तक एयर प्रेशर इनफ नहीं होगा कि ये डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो, तब तक ये भी ओपन नहीं होगा। और जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा एयर का प्रेशर बढ़ता रहेगा, तो एयर यहाँ पे पूरी कंप्रेस हो जाएगी, तो ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी जिससे कि ये डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाएगा, ये खुल जाएगा और ये इसके अंदर गैप बनेगा
और यहाँ से जो कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई है वो रिक्वायर्ड जगह तक हम इसको स्टोर करना है या फिर कहीं पे देना है वहाँ पे हम इसको पहुँचा देते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर सक्शन होता है, इसके अंदर कंप्रेशन होता है, और कंप्रेशन होने के बाद प्रेशर बढ़ता है, डिस्चार्ज वाल्व ओपन होता है और उसके थ्रू हम इस कंप्रेस्ड एयर को आगे पहुँचा देते हैं। तो इस तरह से एयर जो कंप्रेसर है उसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि ये कैसे काम करता है, उसके मेन पार्ट्स ये हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।